अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है रोगन जोश। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी से बनता है, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बस इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है, इसे हम बनाएंगे कड़वे तेल पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून कड़वा तेल। तो चलिए पहले हम इसे पकाते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें अपने खड़े गरम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ते। उसके बाद हम यहाँ पे 2 बड़ी इलायची डालेंगे, इसमें 4 से 6 इसमें छोटी इलायचियाँ जाएंगी। 2 से 3 पीसेस जावित्री के डालेंगे। फिर हम इसमें सिनेमन स्टिक्स डालेंगे। क्वांटिटी आप देख लें मैंने किस हिसाब से इसमें ऐड करा है, आप भी उसी हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। फिर इसमें जाएंगी 4 से 5 लौंगे। खड़े गरम मसाले डालने के बाद अराउंड 1 मिनट के बाद में हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना ये जो गोश्त हमने निकाल के रखा था। गोश्त हमने यहाँ पर 1/2 किलो इस्तेमाल किया है। इसे हम 5 से 7-8 मिनट तक के लिए इसमें भूनेंगे खड़े गरम मसालों के साथ में। हम गोश्त को 7-8 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे। फिर मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून के करीब दही है, जिसमें हम डालेंगे ये मैंने ज़ाफ़रान की पत्तियाँ ली हैं 8 से 10। फिर हम इसमें डालेंगे अपने पिसे हुए गरम मसाले। गरम मसालों में यहाँ पे मैंने ली है हल्दी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच इसमें ड्राई जिंजर पाउडर है, 1/2 चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ पे 2 चाय के चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिए कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। ये इसमें मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। ये देखिए हमने अपने मसाले दही में मिक्स कर लिए हैं और इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो हमने अपना मटन खड़े गरम मसालों के साथ जो मैं भून रही थी उसे हम देखते हैं, जो कि 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिए हैं यहाँ पर 3 चाय के चम्मच। अब इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ में हम भूनेंगे, ताकि जो मटन की स्मेल सी आती है वो चीज़ निकल जाए। उसके बाद हम इसमें जो दही का हमने पेस्ट बना के रखा है वो भी ऐड कर देंगे। आप एक बात का ध्यान रखिए, आप जितना अच्छा इसे भून लेंगे उतना ज़बरदस्त है ये तैयार होगा। बस इसे 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे और भूनें। अब इस एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे दही वाला पेस्ट, जो हमने अपने सूखे मसालों के साथ में बनाया था। ये पूरा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम भून लेंगे। इसे हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छूटने लगे, और फिर सबसे लास्ट में हम इसमें सीटी लगाएंगे गोश्त गलाने के लिए। ये देखिए हमारा ये मटन भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब इस एंड पे हम इसमें डालेंगे देसी घी 2 चम्मच, 2 चाय के चम्मच हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। उसके साथ में मैंने जायफल भिगो के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए। और इसमें 1/2 कप इसके अंदर हम पानी डाल करके सीटी लगा देंगे। बस इसको हम सीटी लगा देते हैं 8 से 9 मिनट के लिए। कुकर खोल के देखते हैं, और लिड को खोल लेने के बाद में जब ये खुद ब खुद से ओपन हो जाएगी, तब आप इसमें चेक करें कि आपका ये जो मटन है ये गल चुका है। तो इसके लिए आप एक नाइफ लें और ऐसे उसमें चेक कर लें कि ये गल चुका है गोश्त। आप चाहे तो इसमें एक सीटी और बजा सकते हैं गलाने के लिए, वैसे ये मेरे हिसाब से गल चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे कि यहाँ तक कि इसमें से जो तेल है वो ऊज आउट होने लगे, क्योंकि ये ग्रेवी के फॉर्म में होता है रोगन जोश, लेकिन इसमें सालन वाली ग्रेवी नहीं होती है। इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो जब तक कि ये थोड़ी थिक नहीं हो जाएगी, हम इसे और अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका टेक्स्चर, उसकी हर चीज़ सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपना रोगन जोश डिश आउट कर लिया है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे हरे धनिया से और हरी मिर्चों से। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
जितना ज़बरदस्त ये दिख रहा है उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। ये देखिए, आप भी सेम इसी रेसिपी के साथ घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।